भाई हमारे टाइम में तो पता है हमारे कपड़े निकाल देती थी मैडम, शर्ट खोल के पैंट खोल देती थी यार। पता नहीं क्या इंटेंशन था मैम का कि कपड़े ही खोल देती थी ऐसी। मैडम हमें तो कहीं नहीं मिली यार। सौरभ भाई मतलब ये बालकों के सामने तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, मतलब बच्चों को तुम क्या सिखाना चाहते हो? बच्चों को तो छोड़ो, जो तुम्हारे 12 मिलियन बच्चे हैं तुम उनको क्या सिखाना चाहते हो? मेरे प्यारे शुभ चिंतकों, आजकल YouTube ना बहुत ही बेहतरीन वाली बर्बादी की राह पे चल रहा है, जिसमें स्ट्रगलिंग क्रिएटर 4 साल में भी 2 लाख सब्सक्राइबर नहीं कर पाता और उधर नेपोटिज्म से पैदा हुए प्रोडक्ट के एक दिन में 2 मिलियन हो जाते हैं। अब शुक्ला जी आप ये बताइए क्या किया जाए, जिए कि मरें? करें तो क्या करें, शॉर्ट्स वीडियो ज्यादा चल रही है तो लॉन्ग वीडियो बनाना छोड़ दो, सच्चाई लोगों से हजम नहीं होती तो सच्चाई बोलना ही छोड़ दो, नौकरी का टाइम आ रहा है तो वीडियो बनाना ही छोड़ दो, इससे अच्छा जीना ही छोड़ दो, सुसाइडी कर लेता हूं मैं। तो आज हम इसी बहाने से नौकरी करने से पहले एक न एक लास्ट ट्राई जरूर मारेंगे और उसके बाद नेपोटिज्म टू पीयूष जोशी गेमिंग की गंदी गेंद फाड़ेंगे। तो शुरू करने से पहले जगाते ऑलवेज पर चुराम और करते हैं सादर प्रणाम। गाना वही पुराना ही है, जरा ध्यान से सुनना, तुम्हारा फेवरेट ही है। नो हेट टू पीयूष जोशी। तो कैसे हो दोस्तों, क्या हाल चाल है तुम्हारे? दोस्तों इंसान दिमाग से हमेशा की तरह गरीब होता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि इसकी गरीबी को लात मार के अमीरी आती है और उस अमीरी आने के बाद उस इंसान का दिमाग खराब हो जाता है, इन शॉर्ट फॉर्म उसके दिमाग का भौसड़ा हो जाता है। तो आज की पीढ़ी में ये चीज सबसे ज्यादा कहाँ पे दिखाई दी? लॉकडाउन के टाइम पे, जिसमें लोगों के पास ना काम था ना धंधा था, सिर्फ और सिर्फ था तो इंटरनेट और सोशल मीडिया। तो उसी ठलवेपन के टाइम को व्यतीत करते करते उस समय को निकालने के बाद उस समय के अंदर से निकला सौरभ जोशी। कपड़े ही खोल दे रही जो कि लोगों के अंदर बहुत ही तेजी से लोकप्रिय हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि देखने वाले को ये लगता था कि मैं कोई काम धंधा तो कर नहीं रहा हूँ, तो सामने वाला वीडियो में कर तो रहा है कुछ ना कुछ, तो उसको देख के मेरा थोड़ा बहुत काम ही हो जाएगा दिमाग के अंदर। मतलब सौरभ ने पूरे दिन घूमने में निकाला तो मैंने भी घूमने में ही निकाल दिया। ये होती है बच्चों की सोच, बच्चों से यू नो व्हाट आई मीन भाई। यस भाई ये बढ़िया है बहनचोद, सौरभ ने रात को मुठ मार ली तो मैंने भी मार ली। तो उसी लोकप्रियता के चलते सौरभ ने बालकों को बहुत ही बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवाना शुरू किया, जैसे कि इनके सामने अपने बचपन की ठरक भरी सेक्स स्टोरियां सुनाना। आज मैं आपको अपनी सेक्स स्टोरी बताऊंगा, बात कुछ 2 दिन पहले की है, मैं अपने अंकल के घर से। सौरभ भाई कुछ तो शर्म कर लो, कल को ये व्लॉग तुम्हारे घर वाले भी देखेंगे। खैर देखते ही हैं वो, तो मन में क्या सोचते होंगे? शर्ट खोल के पैंट खोल देती यार, खाक में मिला रहा है हमारी इज्जत को भयंकर। वो सब छोड़ो, सौरभ भाई पे आखिर में आएंगे, अभी बात कर लेते हैं सौरभ के चैनल से टपके हुए मेन कंटेंट के बारे में, जिसका नाम है पीयूष जोशी। हे गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू चैनल। हाल ही में इन्होंने इनका गेमिंग चैनल भी खोला है, गेमिंग चैनल मतलब 10 से 11 साल के बच्चे का गेमिंग चैनल। बहनचोद इसकी उम्र में तो मुझे ये तक नहीं पता था कि खुद की टट्टी कैसे सोची जाती है और ये यहाँ पे माइनक्राफ्ट में घर बना रहा है। मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? देश संकट में है। सच में भाई देश तो बहुत बेहतरीन तरीके से बदल रहा है। अब उंगलबाजी सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती है, उंगलबाजी तो यहाँ से शुरू होती है। जिस दिन इन भैया जी ने इन बाबूजी का गेमिंग चैनल बनवा दिया, उसी दिन से माँ बाप के बच्चे ये रट लगाते फिर रहे हैं कि पापा पापा मुझे भी गेमिंग पीसी दिला दो, आप सबकी जिंदगी संवार दूंगा पैसे कमा के 10 मिलियन व्यूज ला के। और उसके बाद जब डैडी जी ने बाबूजी का हाल किया है, वो मुझे बताने की शायद जरूरत नहीं है, पीछे से बल्ले बल्ले करके चले गए। अब सवाल पहले ये आता है कि तू जलता है सौरभ से, तेरी औकात क्या है? उसके व्यूज देख और अपने व्यूज देख ले तब जाके प्यार। इंडियन ऑडियंस में पहले बात ना सुनने की बहुत ही पुरानी पुश्तैनी आदत है, पूरी वीडियो देखी नहीं कमेंट करने पहले आ जाएंगे। खैर बालकों से और एक्सपेक्ट किया ही क्या जा सकता है, बात तो सही है। कभी कभार तो सौरभ को देख के भी यही लगता है कि ये फालतू में ही कर रहा है चैनल, मेन चैनल पे भी पीयूष को ही होना चाहिए था। साला चलता है मुझसे। नो हेट टू पीयूष जोशी। ये लोग जो भी हो आप सब लोग सौरभ जोशी को अनफॉलो करो, हमको सब अनफॉलो करने अनसब्सक्राइब करने पूरा रोस्ट करेंगे YouTube चैनल को। अरे बाप अब तो हरी झंडी मिल गई रणविजय की तरह। यही चीज तो अभी मैं 2 मिनट पहले कह रहा था, सरकार ने रूल सही लागू किया है, बच्चे 2 ही अच्छे और उससे ज्यादा करो तो खैर छोड़ो, कमेंट में बता देना। अनफॉलो करो भेड़चो। अनफॉलो और फॉलो ये सब की सब चीजें कुछ नहीं होती है आर्यन, सब दिमाग का खेल है, सब आंखों का झोल है, कोई किसी को नहीं पूछता, एक समय के बाद बुढ़ापे में कोई अनफॉलो फॉलो नहीं करता।
इसलिए कहते हैं कि सोशल मीडिया पे ज्यादा बाप बनने की कोशिश मत करो, एक समय के बाद ना तुम किसी के बाप रहोगे और उल्टा तुमसे लोग कहीं ज्यादा आगे निकल चुके होंगे। क्या बात है। देखो साफ सीधी बात, मैं इस चीज के बिल्कुल सपोर्ट में नहीं हूँ कि अगर सौरभ जोशी ब्लॉगर है तो उसके सब्सक्राइबर उसको आके घर पे बार बार आके ऐसे इस तरीके से परेशान करें, क्योंकि ये गलत है। देखो मजाक मजाक की जगह होता है, अब हर एक दिन छोड़ के कोई ना कोई उसके घर पे आएगा तो वो देखो परेशान तो हो ही जाएगा ना। हालांकि व्लॉगिंग उसका पेशा है तो जाहिर सी बात है कि इधर उधर की खटपट से अगर थोड़ा बहुत एड्रेस या आसपास की जगह लीक हो गई तो लोग आएंगे ही आएंगे। रही बात बालकों की, तो बालकों का तो काम ही गांड में उंगली करना है, उनको तुम कितना भी समझा लो उसके बाद तो वो एक बार नाराज हो गए तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल के ही जाएंगे। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है, अरे आर्यन तुझे तो बेबी सिटिंग कर लेनी चाहिए। कर लेंगे भाई अगर कोई अच्छी मालकिन मिले तो। उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि जो वो मांगते हैं उनको दे दो, अगर नहीं दे पा रहे हो तो प्यार से एक बार समझा दो और एक आध चीज में उलट पुलट समझा के उनको ये दिलासा दिला दो कि वो चीज उनको मिल जाएगी, बाद में लॉलीपॉप चुसा के भगा दो। निकल यहाँ से, निकल। As simple as that. No hate to Piyush जोशी। और रही बात पीयूष की, तो लड़का फेमस हो रहा है सौरभ भाई, एक आधी फीमेल सब्सक्राइबर से मिलने दो उसे, उसकी उम्र की क्या दिक्कत है भाई, अगर टाका भी बढ़ जाएगा तो। जो भी हो यार जिंदगी बढ़िया है, हम तो अपने बचपन में बाहर भी नहीं निकले घर से, जिंदगी हो तो ऐसी हो। तो यार आज के लिए बस यही कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो मजाक है, अपने दिल पे मत लें, बच्चों पे लें। तो बस आज के लिए इतना ही काफी है, ऐसी मजे मजे में वीडियो बना दी थी, आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आए हो और नए आए हो, सौरभ जी के फैन हो तो सब्सक्राइब वाले बटन को तोड़ के बाजू वाले घंटे के पर लगाना मत भूलना भाई। हमको इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लेना, फेसबुक पेज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ भी फॉलो कर लो, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो और ट्विटर अकाउंट फॉलो कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट दुश्मनों की Baby Kya baat hai।